आप जिनको श्रेय देना चाहते हैं इतना बड़ा सफलता जो हुआ है? सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को इसका श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि हर कदम पे जितने भी आर्थिक एवं मानसिक रूप से जो भी सपोर्ट मिला है मुझे इन्हीं लोग के कारण मिला है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग की सोसाइटी में उतना अच्छा कोचिंग भी नहीं मिल पाता है, ना उतने अच्छे शिक्षक मिल पाते हैं जो हमारा कदम कदम पे सहयोग करते हैं। तो हम लोग के जो डायरेक्टर सर हैं दीपक सर, तो वहीं पे हम लोग क्लास किया करते थे। जहाँ पे हम लोग जाते थे तो ना सिर्फ वो हम लोग को पढ़ाते थे बल्कि व्यवहारिक आचरण क्या होता है इस सब के बारे में भी वो हमें बताया करते थे, जिससे कि आज मैं बहुत आगे बढ़ पाई हूँ। क्या होता है शिक्षा के क्षेत्र में ये देखा जाता है कि बहुत जगह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दिया जाता है, लेकिन हम लोग के जो कोचिंग के डायरेक्टर सर और वहाँ के जितने भी शिक्षकगण हैं उन्होंने हम लोगों को व्यवहारिक शिक्षा भी दी, जिसके कारण से आज हम लोग इतने आगे तक पहुँच पाए। चलिए दीपक जी के लिए भी हम लोग उनका स्वागत करें कि आज हमारी बच्ची को इतना आगे तक बढ़ा के लाए। उनको सबसे पहले हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उनकी कोचिंग इसी तरह आगे बढ़ते रहे और बच्चा को हमारे आगे बढ़ाते रहे, पूसा का नाम रोशन करते रहे।